हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 10:30 और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दी। मैं कल शाम को स्टार्ट कर दी थी बट एंड नहीं हुआ था। स्टार्टिंग अभी से मैं डाल दे रही हूँ। कुछ चीज़ें बनी थी जो मैं नहीं डाली थी, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ गुड मॉर्निंग करते हुए तब अपने वीडियो को अपलोड करूँ। अभी जस्ट मैं बाल धुल रही हूँ। सुबह मैं नहीं धुली थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक है, सर में ठंडक लग जा रही है और मेरे चेहरे पर आप लोगों को शाइनिंग समझ में आ रही हो। तो आज मैंने अपना वो जो मैं बता रही थी बरा लूकल से जो किया जाता है उससे मैं कुछ की हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेहरा अजीब सा हो गया था। मेकअप नहीं है, बस लिपस्टिक है और ये सब है। तो चलिए, मेरा वीडियो तो कल का ही था, उसी से मैं अपलोड कर देती हूँ। अभी तो थोड़ा सा बस आप लोग से बातें करनी थी, कर लूँ तो फिर होता है। और बाल को मैं अपने थोड़ा सा सुखा लूँ, नहीं तो ठंडा फिर लग जाएगी। तो चलिए, और मेरा वीडियो को काफ़ी कुछ चीज़ें से बात की थी उसे आप लोग को शेयर की हूँ, जो आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसे जैकेट वगैरह धुल दी थी सारा चीज़, तो आज स्वेटर पे जा रहे थे, जैकेट नहीं पहन रहे थे। तो मैं जैकेट पहन लीजिए, जो गंदा वाला एक भी और रखा हो उसे एक पहन लीजिए, कन्ने ला के दे दो, जितने गंदे हो उतने मैं डालूं। तो कही ठीक है, मैं बोली ठीक है, जितना आप मुझे परेशान करते हो कर लीजिए। मुझे क्या दे रही हो, ताने दे रही हो, मुझे ऐसे बोल रही हो? नहीं, ताने नहीं दे रहे हैं, हम भी इंसान हैं। सब उससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे तालमेल हो रही थी बातें, और हम लोग बैठ के हीटर पास हमने थे, उनसे बोल ही रही थी मैं कि मैं आपको छोड़ दूँगी। होता है क्या यार, कोई ऐसा थोड़ी कर पाएगा, मैं देखो छोड़ ही चल जाएगा। बट ये ना थोड़ी से कभी कभी जब हम लोग अंदर से नहीं होता है कि मन खिजी आ जाता है, तकलीफ होती, परेशान होते हैं कि जैसे मन हो जाए, कहीं इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा मन सही हो जाएगा। और मेरी सबसे बड़ी आदत है कि मैं 1-2 घंटे के लिए बस बाहर जाना चाहती हूँ, उसके बाद नहीं। फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में आना चाहिए, मुझे एकदम पसंद नहीं आता। और मैं ये भी बता दूँ, मैं अगर कहीं जाती भी हूँ किसी के घर वगैरह से, या मैं घूमने भी मैके भी, तो पता नहीं क्यों मुझे मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर हाँ दिन में मैं यहाँ थी तो रात को मेरे घर में मुझे जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं ही नहीं, करीब करीब सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि दिन भर जहाँ पूरे डेली दिन में जहाँ भी जैसे मैं तैसे हूँ, लेकिन शाम को गिरते पड़ाते अपने घर अपने झोपड़ी में पहुँच जाऊँ। एक चिड़िया भी है, दिन भर उड़ती है लेकिन शाम को अपनी झोपड़ी में आके सुकून से रहती है। तो वही चीज़ है मेरा भी, मैं भी बहुत सोचती हूँ कि मैं दिन में जहाँ भी जा मन आ जाऊँ लेकिन रात को अपने घर वापस आ जाऊँ। जो सुकून मिलता है अपने बिस्तर पे, अरे लोग कहते हैं उनके पास इतने पैसे हैं, इतने रुपए हैं, इतने गहने, ये सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता यार, आपकी 50,000 का बेड, मेरा ये 100 रुपये का अगर है, 100 रुपये कहाँ मिल ही रहा है? अगर आपका 50,000 का है, मेरा 10,000 का है, तो मुझे मेरा ही सुकून देगा, वो 50,000 वाला सुकून नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी सोच मेरी यही है, अगले का बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा कुछ भी हो, और ये मान लीजिए सच है, ये सही है कि जितने बड़े लोग होते हैं, जितने बड़े लोग को पास पैसे, मन बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास दिल बहुत कम होते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि उनके सामने बस अलग फीलिंग आती रहती है। अगला घुस के आ रहा है, या कोई उसकी चीज़ें या लेने के लिए आ रहा है या मांगने के लिए, वो उसमें खुश नहीं होता है कि ये तो हमारे घर आया, ये उन्हें खुशी नहीं मिलती है, उन्हें अलग चीज़ें सोच आती है। और छोटे लोग जो होते हैं, मीडियम साइज के जो लोग होते हैं, छोटे क्या एक मीडियम, अपना खाता पीता परिवार, अपना हंसी सभी सलामत, कोई चीज़ की कमियां नहीं होती है, भगवान बस अच्छे खासे से अपने जीवन को चलाते रहते हैं। वो लोग के यहाँ अगर कोई आता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वो तो मेरे घर आए हैं, तो उनकी सेवा खातिरदारी वगैरह ये सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बड़े लोग का तो दिल भैया बड़ा छोटा होता है, ये तो मुझे लगता ही है, उनकी सोच भी छोटी हो जाती है, उनके दिल के साथ साथ वो सोचने की क्षमताएं कम हो जाती है, और लगता है कि कुछ ऐसे हैं, तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती है। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे घूमने जाना, घूमने जाना, तो कहने बोलने लगे चलो
पूरे रोड पे आज समय पूरे रोड पे राउंड मारती मरा देता हूँ, पूरा रोड पर आज घुमाऊंगा कि थक के बोलूँगी चलिए अब मुझे घर छोड़ दीजिए। तो पापा बोला नहीं पापा मैं यहाँ नहीं, आप वहाँ कहीं और घुमाने ले चलिए, पार्क ले चलिए। कहना हाँ हाँ पार्क नहीं पूरा रोड, रोड को कहे पापा मैं रोड पे नहीं घूमूंगा। हंसी आती है इन बातों पे और कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन चलिए छोटी छोटी हंसी खुशी अच्छी लगती है, फीलिंग अच्छी लगती है। तो वही था और सच मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी फैमिली में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं कभी सोचती हूँ जैसे होता है हम भी तो इंसान ही हैं, कभी कभी जरूर मन थोड़ा सा दुख हो जाता है। दुख क्या हो जाती है, थोड़ी सी ये लगता है कि एक जगह मन उग गया, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे चाहती हूँ वैसे रहती हूँ, जो खाना चाहती हूँ खाती हूँ रहती हूँ, मुझे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ना कोई चीज़ की तकलीफ़ है। भगवान की कृपा से सब कुछ भगवान दिए हैं। और एक चीज़ मेरी जो मुझे मेरी मन का नहीं पूरा हो रहा था, जो हमारे एक अपना नाम एक अपना पहचान, वो भी मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है यूट्यूब, बहुत दिन से आया था लेकिन मुझे नहीं मालूम था सच में। मैं नहीं, मुझे ये लगता था कि इस पर क्या होता है, क्यों लोग वीडियो बनाते हैं, कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं मालूम था। और मुझे लगता था बहुत बड़ा इसके लिए कुछ काम करना होगा तब मैं इस पर वीडियो बना पाऊँगी, तब डाल पाऊँगी। तो धीरे धीरे मुझे जानकारी हुई, जो कि ये भी खुशियाँ मेरी साकार हो रही है, जो ये परिवार मुझे मिला, ये फैमिली जो मिली यूट्यूब वाला, ये मुझे बहुत ही शायद बहुत ही एक खुशियाँ देती है। मुझे कोई अर्निंग की कोई चिंता नहीं है कि मेरी अर्निंग कब होगी, मुझे कब आएगा, बस मुझे ये लगता है बस मुझे कितने लोग देखें, मुझे कितने लोग पहचाने, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा खुशी आती है सच बता दो। तो बाकी मुझे और कोई दुखी नहीं, दुख नहीं था, बस एक ही था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं अपने नाम नहीं बना पा, पहचान एक जो मेरे मन में काफ़ी दिन से चल रहा था, जब मैं 8 में थी 9-10 में थी तब से मेरे मन में चल रहा था वो चीज़ें, आज मुझे साकार अभी तो क्या, अभी कुछ चीज़ें चल रही स्टार्टिंग है, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं मुझे करते हुए, ऐसी कोई बात नहीं। बट लेकिन मुझे ये लगता है कुछ लोग तो मुझे जान रहे होंगे, पहचानेंगे धीमे धीमे, थोड़ा समय लगता है। जैसे वो कहते हैं ना, उनकी बातें मैं सुनी थी, एक हैं धनवान के, हाँ धनवान से ही हैं, धनबाद से हैं, तो वो बोले थे कि पपीते के पेड़ को लगाने से साल दो साल में बड़े हो जाते हैं और फल लगते हैं, वो साल दो साल में टूट के गिर भी जाते हैं, और जब बहुत वो बरगद का पेड़ है उसे बढ़ने में भी समय लगता है और वो कई सालों तक चलता है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, उनकी ये वीडियो मैं देखी मुझे बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिला, इतनी ज़्यादा मोटिवेट मैं हुई कि सच में ये सही बोल रहे हैं क्या, कितनी अच्छी बात है वो बोल दिए वहाँ पर, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं वो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखी, आज भी मैं वॉच करती हूँ उन्हें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही था, बाकी और कुछ मेरा रीजन चेंज नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया मुझे, ऐसी फैमिली मिल गई मुझे, ऐसे लोग मिले हैं जहाँ मैं अपनी जो पहचान है अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, आप लोग से बांट सकती हूँ हर खुशियाँ, हर जिसमें खुश रहती हूँ, यही है मेरा रियल जीवन और मैं इसी तरीके से रहती हूँ। कुछ लोग मुझे प्यार भी करते हैं, कुछ लोग मुझे इनकार भी कर देते हैं, होता है कुछ लोग को नहीं पसंद आता होगा, हटा देते होंगे, स्किप कर देते होंगे, नहीं देखते होंगे, तो कोई बात नहीं है, चलते हैं हम अपने कर्म करते रहे, वो तो भगवान के ऊपर है जो करना होगा। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था, यही था, मैं आप लोग के साथ अपने जीवन की थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर कर देती हूँ कभी कभी, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे इधर साइड में बेल आइकन की घंटी भी होगी उसे प्रेस कर दीजिएगा और रेड कलर का बॉक्स होगा उसे जो ऐसे टच करेंगे ना वाइट हो जाएगा, तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर करिएगा। और चलती हूँ, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्यार तो ज़रूर बरसा दीजिएगा। तो बाय बाय।